एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। इसके अलावा अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखना चाहें, हिमाचली कल्चर देखना चाहते हैं तो ब्लॉग चैनल पे जाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाते हैं। और इसके अलावा आज का ये वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो जो है आपका हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है कि पिगमेंटेशन के लिए कुछ बताइए, तो बस ये आज पिगमेंटेशन पे ही मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। और आपको जो भी मैं चीजें इस्तेमाल करने वाली हूँ वो आज सब की सब आपके किचन में ही उपलब्ध है, मतलब किचन में ही आपको इजिली मिल जाएंगी। आपको यहाँ वहां से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी देखिए, पिगमेंटेशन के लिए मैंने आज तीन स्टेप्स यहाँ पे आपको करके बताने वाली हूँ। हफ्ते में लगभग दो बार आपको ये स्टेप्स फॉलो करने ही हैं। बहुत जल्दी आपको फिर ना आप अपने इस पिगमेंटेशन की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। नेचुरल होम रेमेडीज जो है ना, ये थोड़ा सा लेट असर करती हैं, इसलिए आपको थोड़े से पेशेंस तो रखने ही पड़ेंगे। लेकिन हफ्ते में दो बार आप ये जरूर यूज कीजिएगा। आपको ना मतलब दो तीन बार जब आप यूज कर लोगे तो तब आपको खुद ब खुद रिजल्ट जो आपके आपको देखने को मिलेंगे। तो रिजल्ट मिलने के बाद मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। तो तीन स्टेप्स मैं बता रही हूँ। पहला रहेगा हमारा क्लींजर, दूसरा स्क्रबिंग का और तीसरा पैक्ट। इसके अलावा हम बहुत ज्यादा झंझट में नहीं पड़ेंगे, इजीली ये चीजें मिलने वाली आपके किचन में, वही मैंने यहाँ पे ली है, मतलब ध्यान में रख के कि आपको आपकी ये समस्या जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए क्लींजर, और क्लींजर कैसे बनाना है चलिए पहले वो देखें। क्लींजर बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह से दूध, ये देखिए लगभग एक चम्मच बड़ा चम्मच के करीब मैंने ये दूध ले लिया है। अगर आप दूध यूज नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप आलू का रस भी ले सकते हो, तो दोनों ही चीजें बहुत ही इफेक्टिव हैं। दूध में लैक्टिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को लाइटन करते हैं। जो चीज हमें चाहिए वो है ये ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जरूर इसमें ऐड करनी है, क्योंकि ग्लिसरीन में हीलिंग की प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि आपकी स्किन को नेचुरली सॉफ्ट रखती है। और अगर आपको कोई भी पिगमेंटेशन की समस्या है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो बहुत ज्यादा हमें ये नहीं लेनी है, लगभग दो से तीन बूंदे ये देखिए इस तरीके से हमने लेनी है, और ये भी मैंने इसमें ऐड कर ली है। और इसके बाद जो तीसरी हमें चीज चाहिए वो है देखिए हल्दी। हल्दी भी बहुत ज्यादा नहीं हम लेंगे, बस वन पिंच हल्दी हम लेंगे। देखिए मैंने हाथ से उठा करके यहाँ पे ऐड कर लिया है। हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल है और आपकी जो है स्किन को निखारने के लिए हल्दी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हल्दी देखिए, अगर आप रेगुलर अगर आपको पिंपल की समस्या हो जाती है उसमें भी आप एलोवेरा जेल के साथ हल्दी यूज कीजिए तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाती है। बस ये, और कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं करना है। हमारा क्लींजर बनके रेडी है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये रहा मेरा क्लींजर, और फेस को मैं वॉश करके ही आई थी, मतलब फेस वॉश करने के बाद ही मैं यहाँ पे आके आपके साथ वीडियो बनाने लगी थी। और ये देखिए, इस तरह से आपने लेनी है कॉटन, और अपने क्लींजर में आप इसे डिप करके अच्छी तरह से पहले अपने फेस को हमें क्लीन करना है। चाहे से आपने फेस वॉश किया है या नहीं किया है, वैसे तो फेस वॉश करने के बाद ही इस तरह की कोई भी चीज यूज करनी चाहिए, तो इस तरह से पहले आप इसे अच्छी तरह से फेस को एक बार क्लीन कर लीजिए। और इसके बाद देखिए, अगेन आप ये फिर से डिप करके थोड़ा इस तरीके से लगा लीजिए अपने फेस पे, और फिर इसे आपने सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये सूख जाएगा ना तो देखना, मतलब जैसे आप जब इसको हल्के हाथों से रब करोगे तो मैल की बत्तियां जैसी आपको मतलब दिखाई देंगी, निकलेंगी आपके फेस से। तो ये आपकी मतलब जो भी आपके स्किन के पोर्स के अंदर गंदगी रहेगी उसे अच्छी तरह से डीप क्लीन करता है। तो थोड़ी देर के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। मैं भी थोड़ी देर से चाय से आप हल्के हाथों से इस तरह से निकालते हुए अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर आपने नहीं करना है ऐसा कुछ तो भी कोई बात नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है हमारा स्क्रब का। तो और स्क्रब बनाना कैसे है चलिए पहले वो देख लेते हैं। बहुत ही इफेक्टिव वाला ये स्क्रब है, इसे अगर आपके आपको टैनिंग की समस्या होती है ना तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट। स्क्रब बनाने के लिए देखिए, सबसे पहली चीज हम ले रहे हैं मसूर की दाल। और मसूर की दाल जो है ना, अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, कोई भी चेहरे पे दाग धब्बे हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कारगर चीज है ये। तो देखिए, इसको आप ना चाहे जितने दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हो, मतलब पाउडर थोड़ी सी
पिसने में भी थोड़ा सा दिक्कत आती है, मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाती है। तो अच्छा रहेगा कि आप इस तरीके से मतलब महीने भर के लिए एक साथ ही पीस के रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए 3 चम्मच ले ली है ये मसूर की दाल। इसके अलावा दूसरी जो चीज हमें चाहिए वो है चावल। तो घर में खाने वाले जो भी ऑर्गेनिक चावल आप जो भी खाते हो वही वाले हम यहाँ पे भी लेंगे। दोनों चीजों की क्वांटिटी जो है सेम रहेगी। और चावल की बात बताऊं तो चावल एंटी एजिंग के लिए, आपकी स्किन में कोई दाग धब्बा है उसके लिए, रंगत निखारने के लिए, इसमें मतलब कि स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती है ना तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए सबसे बेहतरीन स्क्रब बनके ये रेडी होगा। तो इसे आपने अभी पीस लेना है मिक्सर जार में, जितना महीन आप पीस सकते हो उतना आपको इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। तो इस तरह से मसूर और चावल को मैंने पीस लिया है और इसे आप हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए इस तरह से मतलब स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन आपको इसमें कोई भी लिक्विड चीज ऐड करके स्टोर नहीं रखना है। तो इस तरह से अगर आपने स्टोर करना है तो डिब्बे में आप इसे फिर स्टोर कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए जो मैं ये स्क्रब बनाने वाली हूं तो उसके लिए देखिए ये 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ये जो मसूर की दाल और जो हमने ये पीसा हुआ है चावल और मसूर की दाल इसे ले लिया है। और इसे फिर एक पेस्ट बनाने के लिए देखिए हमें चाहिए आलू। आलू में फास्फोरस जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि अगर आपको पिगमेंटेशन की समस्या है ना तो इसको लाइटन करने के लिए, अगर कोई भी दाग धब्बा होता है ना आपके फेस पे तो आप अगर उस पर आलू का रस लगाते हो ना तो वो धीरे धीरे लाइट होता जाता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आप आलू ही लीजिए। वैसे भी किचन में इजिली मिल जाता है आलू, सबके घरों में होता ही है। तो बस अभी इसे मैं ग्रेट कर रही हूँ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसे मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर जार में पीस करके उस तरीके से भी इसका पेस्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने खाली रस ही यूज करना है तो इस तरह से भी मतलब किसी भी कपड़े की हेल्प से छान लेंगे। तो इस तरह से कॉटन का कपड़ा लेकर के आप इसे अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि जो भी इसका रस है ना वो निकल आए। तो ये देखिए मैं इसे स्पून में ही, ये अभी आप देख सकते हो। तो इसे भी आप बिल्कुल फ्रेश ही यूज कीजिए, ऐसा मत करना कि स्टोर करके रखना है क्योंकि फिर थोड़ी देर में काला पड़ने लगता है। तो आपको फ्रेश आलू ही लेना है यहाँ पे और बस जितना कर आपको इसको घोलने के लिए मतलब चाहिए उतना सा आप फिर यहाँ पे ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से फिर एक पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कच्चे दूध में भी लैक्टिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आलू का रस भी बहुत ही इफेक्टिव रहता है। तो ये रहा हमारा स्क्रब और बनाना बहुत ही सिंपल है। इसे मतलब अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप पाउडर फॉर्म में स्टोर करके रख लीजिएगा, फिर जब भी आपको यूज करना है तो उसमें फिर आप इस तरह से बैटर तैयार करके उसे अपने एज अ स्क्रब यूज कर सकते हो। और देखिए अब आप यूज कैसे करना है, सिंपली आप लीजिए इसे और फिर इस तरह से हल्के हाथों से अपने चेहरे पे मसाज कीजिए। इससे आपकी क्या होगी कि एक तो डेड स्किन होगी आपके चेहरे पे जो भी, वो सारी निकल आएगी और बहुत ही अच्छा बेहतरीन ये स्क्रब बन के रेडी हुआ है। अगर आपको टैनिंग की समस्या है उसके लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हल्के हाथों से आपको ये काम करना है, बहुत ज्यादा जोर जोर से ये नहीं रगड़ना है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आप उस तरीके से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हो। मतलब अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाना है तो आप क्या कीजिए कि मसूर की दाल और चावल को दूध में डिप करके रख लीजिए ओवरनाइट और सवेरे उसका पेस्ट बनाइए तो बहुत ही सॉफ्ट होता है फिर लगाने में भी, और वो चीज भी आप यूज कर सकते हो। तो वो भी इसके पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, तो ये वाला काम भी आप कर सकते हो। इसके अलावा भी देखिए ना सिर्फ पिगमेंटेशन ही, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट एंड की प्रॉब्लम होती है ना तो इससे वो भी काफी हद तक खत्म हो जाती है। काफी हद तक क्या, अगर आप रेगुलर हफ्ते में 2 बार ये चीज यूज करोगे ना तो आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट एंड की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से जहां जहां पे भी आपको है, जैसे नोज एरिया पे मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है तो वहां पे आप इस तरह से अच्छी तरह से स्क्रबिंग कीजिए। बहुत जोर से आप बिल्कुल ना कीजिए, बस हल्के हाथों से, और यहां पर भी होती है, मुझे चिन एरिया पे होती है तो यहां पर भी आप इस तरीके से कीजिए। और बस इसे थोड़ी सी देर के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए और फिर अपना चेहरा आप साफ कर सकते हो। और आपको बात बताऊं ना, आप देख सकते हो ना कि कितना फर्क आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है ना, कि जब हम स्क्रबिंग कर रहे हैं और ये चावल और मसूर की दाल में इस्तेमाल कर रही हूं तो आपको देखिए गर्दन और चेहरे में बिल्कुल साफ फर्क नजर आ रहा है। तो आप इस तरह से जब भी कोई इस तरीके का काम कर रहे हो तो गर्दन पे भी आप सेम पैक या स्क्रब जो भी यूज कर रहे हो तो उसे आपको गर्दन में भी यूज करना चाहिए। तो स्क्रबिंग हमारी हो चुकी है, और जब भी आप कभी भी अपने फेस पे स्क्रब करते हो ना
तो फिर उसके बाद पैक भी जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो आपके स्किन के पोर्स हैं वो अच्छी तरह से क्लीन हो चुके होते हैं, तो ओपन हो चुके होते हैं, अब इनको क्लोज करना भी बहुत जरूरी होता है ताकि कोई और डर्ट आपके फेस के अंदर ना चली जाए। तो पैक बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और कैसे बनाना है पैक, पहले चलिए वही देखिए। पैक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए दही। ये देखिए, एक चम्मच दही का मैंने यहाँ पे ले लिया है। और दही आपको पता है कि प्रोटीन कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर आपको पिगमेंटेशन की समस्या है बहुत ही बेस्ट है उसके लिए। जो भी चीजें मैंने आज यहाँ पे ली है सारी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ही ली है। तो देखिए, एक चम्मच मैंने दही का ले लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज चाहिए हमें वो है ये नींबू। तो नींबू का रस हम यहाँ पे ले लेंगे आधा चम्मच। अगर आपको सूट नहीं होता है नींबू तो आप यहाँ पे ऑरेंज जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा हम नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा ही हमने ये देखिए ये लगभग एक चम्मच ले लेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए वो है शहद। अगर शहद भी आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐड करते हो तो शहद जो है हमारी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ अंदाजे से ही ले रही हूँ, लगभग आधा सा ही चम्मच हमें यहाँ पे शहद का भी यूज करना है। तो इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके अलावा जो चौथी, बस चार ही चीजें हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है वो है कॉफी। ये देखिए कॉफी, मैंने यहाँ पे ये वाली कॉफी ली है। आप अगर चाहें तो जो एक रुपए वाला पैकेट आता है ब्रू का वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो लगभग ये देखिए एक चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पे फिर ये कॉफी ली है। और बस अब आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी है, इसे आप अच्छी तरह से एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। मतलब आपको कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ही आपका एक गाढ़ा जैसा पेस्ट जो है अच्छी तरह से बन जाएगा। ये देखिए, तो बहुत ही सिंपल है पैक बनाना भी। ये रहा जी हमारा पैक, और मैं इसे अपने फिंगर की हेल्प से ही यूज कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आप इसे लगाइए। और मैं आपको बात बताऊं ना, कॉफी का ये जो पैक है शायद पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप अगर मतलब बहुत ज्यादा इस तरह से चीजों में नहीं भी पड़ रहे हो ना, तो कॉफी अपने चेहरे पे रेगुलर इस्तेमाल करते हो ना, तब भी आपको बहुत ही मतलब इफेक्ट पड़ता है आपके चेहरे पे, दाग धब्बे आपके सारे गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप यूज कीजिए, चाहे से आप ब्रश का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप इस तरह से फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई कर लीजिए। और जो भी हमने इसमें चीजें ऐड की है ना, सब की सब हमारी इसी, मैंने पहले ही आपको बताया ना कि पिगमेंटेशन को खास ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे, इसलिए मैंने मतलब बहुत ही अच्छी तरह से सर्च करके कि कौन कौन सी चीजें सबसे फायदेमंद है वही मैंने यहाँ पे यूज की है। तो इस तरीके से आप फिर इसे अपने चेहरे पे लगाइए। देखिए, आप थोड़ी सी देर अगर हल्के हाथों से मसाज करते हो ना तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी देर हल्के हाथों से मसाज कीजिए, फिर आप बाद में बेशक फिर एक इस तरह से लेप लगा करके छोड़ दीजिए। और ये जो पैक है आप मतलब 10 से 15 मिनट तक आप इसे जरूर लगा के रखिए, इससे ज्यादा अगर आप रख सकते हो तो आप 20 मिनट के लिए इसे लगा के रखिए, बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। फेस वॉश करके मैं आ गई हूँ, और आपको मतलब मेरी बातों पे भी यकीन करने की जरूरत नहीं है, खुद यूज कीजिएगा फिर आपको खुद ब खुद पता चलेगा। और अगर आप रेगुलरली एक महीना भर भी इस चीज को यूज कर लेते हो ना, तो आपको चाहे से कितने सालों पुरानी झाइयां क्यों ना हो वो सब खत्म हो जाती है धीरे धीरे। थोड़ा सा देखिए, नेचुरल रेमेडीज में टाइम जरूर लगता है, ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।